नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण परियोजना अयोध्या रेलवे स्टेशन की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम अयोध्या रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। देखेंगे द्वितीय चरण में हो रहे निर्माण कार्य। ड्रोन व्यू दर्शाते हुए हम आपको कार्य की वर्तमान परिस्थिति की विशेष जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के पश्चात श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। राम भक्तों की सुविधाओं के लिए आरंभ की गई योजनाएं भी धरातल पर पूरी होती दिखाई दे रही हैं। रामनगरी में विकास की प्रमुख योजनाओं में से एक है अयोध्या का नवीन रेलवे स्टेशन। इसे प्रभु श्री राम के मंदिर का आकार का ही स्वरूप दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत का यह पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां कई प्रकार की विशेष सुविधाएं श्रद्धालु व पर्यटकों को मिलेंगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या में बन रहे अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण 3 चरणों में होना है, जिसमें से प्रथम चरण पूर्ण कर उद्घाटन भी दिसंबर 2023 में हो चुका है और द्वितीय चरण का कार्य अब तीव्र गति से संचालित है। बता दें कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने हेतु पूरे देश से लाखों लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर के यूपी सरकार अयोध्या को सुविधाजनक तरीके से परिवहन से जुड़ने वाले हर साधन को बेहतर बनाने में लगी हुई है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर प्रवेश करते ही पर्यटकों व श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम आने का एक विशेष अनुभव हो, इसके लिए इसे विशेष तौर पर नए स्वरूप में संवारा गया है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का आर्किटेक्चर श्री राम जन्मभूमि मंदिर से प्रेरित है। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि रेलवे के अनुसार इसमें शॉपिंग जोन, कैफेटेरिया, रिक्रिएशन फैसिलिटी और अच्छा पार्किंग स्पेस उपलब्ध होगा। इसके ग्राउंड फ्लोर का टोटल एरिया 3,945 वर्ग मीटर है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर एक बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया भी है। इनमें से स्टेशन बिल्डिंग, पार्किंग एरिया, बाहरी जल आपूर्ति, बाहरी विद्युतीकरण सहित कई सारी सुविधाएं हैं, जिसके हम आपको विशेष अवलोकन करवा रहे हैं। स्टेशन की डिजाइन श्री राम मंदिर जैसे होने के कारण यह अत्यंत आकर्षित प्रतीत होता है। इसके सामने एक बड़ा पोर्च है जिससे कि लोग खराब मौसम से बचने के लिए सहारा ले सकते हैं। इस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है। इसमें आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था किए गए हैं। इस स्टेशन में 12 लिफ्ट व 14 एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के लिए फूड प्लाजा की व्यवस्था भी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन धार्मिक और आधुनिकता का संगम है। एक ओर जहां इसका डिजाइन राम मंदिर की तरह है तो दूसरी ओर सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। स्टेशन पर लोग सुविधाजनक तरीके से खरीदारी कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें कई प्रकार के भोजन का भी आनंद उठाने का अवसर भी मिल रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन खूबसूरती और सुविधाओं के मामले में कई एयरपोर्ट से भी बेहतर है। जानकारी हेतु बता दें कि इस रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 50,000 लोगों का आवागमन हो सकता है। ऐसे में इसे अधिक से अधिक यात्रियों की सुविधा के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म और 5 रेलवे ट्रैक हैं और स्टेशन का कोड AY है, परंतु वर्तमान समय में यहां पर 3rd प्लेटफॉर्म को तोड़कर 4 और 5 प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है, जिसकी निकटतम दृश्य हम आपको दर्शा रहे हैं, जिसके ऊपर से वर्तमान समय में कॉन्कोर्स बन रहा है। कॉन्कोर्स की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस कॉन्कोर्स का निर्माण तीव्र गति से संचालित है। रेलवे की निर्माण संस्था राइट्स के अनुसार 249 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ऊपर 7200 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, और जैसे जैसे यह तैयार होता जा रहा है इसे जनता के लिए खोला भी जा रहा है। बता दें कि अभी तक भारत में सबसे बड़ा भोपाल में एयर कॉन्कोर्स है, उसी के तर्ज पर अब उससे भी बड़ा अब अयोध्या में बनेगा। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, रेलवे स्टेशन पर 120 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स का निर्माण अब तीव्र गति से संचालित है। इसके लिए पहले 120 मीटर लंबे और 67 मीटर चौड़े एयर कॉन्कोर्स को तैयार किया जा रहा है।
तथा प्लेटफॉर्म नंबर 6 तैयार हो जाने के पश्चात इसकी चौड़ाई को भी और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस पर 12 एस्केलेटर व 6 लिफ्ट भी लगाई जाएंगी, जिनमें से कई लग भी चुके हैं। अभी स्टेशन पर मात्र 1, 2 व 3 प्लेटफॉर्म ही है, इसे 9 तक बढ़ाया जाना है और यह कॉन्कोर्स प्लेटफॉर्म संख्या 1 से लेकर के 9 तक को आपस में जोड़ेगा। तत्पश्चात यहां कुल 9 प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा तीसरे चरण में। विशेषताओं की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 50,000 लोगों के लगभग यात्रियों की सुविधा के लिए इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिस पर एयरपोर्ट की तर्ज पर पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी युक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। यहाँ बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर तथा एसी वेटिंग रूम, वॉशरूम, पेयजल बूथ, फूड प्लाजा समेत अन्य सुविधाएं भी तैयार हो चुकी हैं। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव छवि आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। बता दें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकसित भवन 10,000 वर्ग मीटर में विस्तारित है। 2018 में इसके विस्तार का कार्य आरंभ हुआ था। पहले चरण में बने स्टेशन का बाहरी भाग मंदिर की झलक देता हुआ बनाया गया है। वहीं स्टेशन के भीतरी दीवारों पर राम कथा चित्रों के माध्यम से लोगों को सामने प्रदर्शित भी किया जाएगा। आपको हम संपूर्ण परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू भी प्रदर्शित करते हुए बता दें कि श्री राम मंदिर के तर्ज पर ही अयोध्या मॉडल रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को अयोध्या स्टेशन पर आते ही धाम आने की अनुभूति प्राप्त हो। इस मॉडल रेलवे स्टेशन का निर्माण राइट्स ने किया है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आगे 100 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने का ध्यान में रखते हुए कंक्रीट के स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके बाहर लगाए गए पत्थर बंशी पहाड़पुर के हैं, जो राम मंदिर में भी लगाए गए हैं। और इस स्टेशन के ऊपर से 2 शिखर, 4 पिरामिड व बीच में मुकुट, धनुष जो कि मंदिर के स्वरूप को भी प्रदान करता है, वह नजर आ रहा है। परियोजना की लागत की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या में बन रहे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के पहले चरण का कार्य संपन्न करने के लिए 241 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे फेज के लिए भी 350 करोड़ रुपए के बजट से कार्य संचालित है। पहले चरण में 24 कर्मचारी आवास, 500 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग, भीतर के मार्ग, सब स्टेशन आदि भी बन चुके हैं। पेयजल बूथ व यात्रियों के लिए वीआईपी लाउंज से लेकर डॉर्मेट्री की सुविधा भी विकसित की गई है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण होगा, जिसकी कुल लेंथ 625 मीटर होगी। यह देश की सबसे खूबसूरत व आधुनिक सुविधाओं से संपन्न रेलवे स्टेशनों में से एक होगा। महत्वपूर्ण है कि अयोध्या के राम मंदिर के साथ ही राम लला से जुड़े सभी स्थानों का कायाकल्प करने की तैयारियां चल रही हैं। फिर चाहे वो हवाई अड्डा हो, बस अड्डा अथवा रेलवे स्टेशन, तथा इन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्ट स्ट्रीट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।